वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मोदी सरकार खतरनाक खेल खेल रही है, भारत खित्ते के अमन के लिए खतरा बन चुका है। मुतनाज़े शहरियत बिल के खिलाफ मुजाहिरों से तवज्जो हटाने के लिए मोदी सरकार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, भारत की जानिब से किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी का पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। कार्रवाई में भारतीय फौजों की हलाकतें भी हुई, भारतीय चौकियों को भी निशाना बनाया गया। मजीद कहा कि मोदी सरकार खतरनाक खेल खेल रही है, जिससे खित्ते का अमन मुतासिर हो सकता है। दुनिया को इस सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुतनाज़िया शहरियत बिल के खिलाफ 10 से ज्यादा भारतीय रियासतों में अवाम सरापे एहतजाज है। सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, भारत की जानिब से किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इससे कबल वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने वीडियो पैगाम में बताया था कि भारत में जारी एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए हमें हिंदुस्तान की तरफ से नया नाटक रचाए जाने का खदशा है, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने गैर मामूली नकलो हरकत को महसूस किया है, जो इस बात का इशारा देती है कि हिंदुस्तान के इरादे दुरुस्त नहीं। समझता हूँ ये भरवक्त मामले को रेज किया गया है और फिल फॉर इसकी कोई तारीख का तैयार होना चाहिए, ताकि हकायक जो हैं वो एक इंडिपेंडेंट तंजीम की तरफ से सलामती काउंसिल के सामने पेश किए जाए। क्योंकि देखिए, हमें इस वक्त जो मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार है, उसका पैटर्न जो दिखाई दे रहा है वो बड़ा वाज़े है।